तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध जारी है। सरकार के साथ 1 दिसंबर को ही बातचीत का भी कोई हल नहीं निकला। किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। अब इस किसान आंदोलन को कई नामी लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। पंजाब के कई सेलिब्रिटीज पहले से ही इस आंदोलन के सपोर्ट में हैं। अब कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 30 खिलाड़ियों ने किसानों के सपोर्ट में अपने मेडल्स और अवार्ड वापस देने का फैसला कर लिया है और इन खिलाड़ियों में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी टीम के खिलाड़ी भी शामिल हैं। सज्जन सिंह चीमा पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्ड विजेता हैं। वो पिछले 2-3 दिनों से अर्जुन अवार्ड और पद्म अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों से कॉन्टैक्ट कर रहे थे ताकि किसान आंदोलन के सपोर्ट में सभी खिलाड़ी अवार्ड वापस कर उनकी मुहिम में शामिल हो सकें। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीमा को अब तक 30 से ज़्यादा पूर्व खिलाड़ियों का सपोर्ट मिल गया है। इन खिलाड़ियों में गुरमेल सिंह और सुरेंद्र सिंह सोड़ी का नाम भी शामिल है। दोनों ही पूर्व हॉकी प्लेयर हैं और 1980 समर ओलंपिक्स में फील्ड हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। 63 बरस के चीमा, जो पिछले महीने COVID-19 पॉजिटिव पाए गए थे, इस वक्त जालंधर के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उनका कहना है, मैंने और मेरे 3 भाइयों बलकार सिंह चीमा, कुलदीप सिंह चीमा और गुरमीत सिंह चीमा, हमने बास्केटबॉल गेम में भारत को रिप्रेजेंट किया है और हमने जो नेशनल और इंटरनेशनल पहचान बनाई वो सब कुछ हमारे पिता सुरजीत सिंह के प्रयास की वजह से हो सका, जिनके पास कपूरथला के दुबालियान गांव में 20 एकड़ जमीन थी। एक किसान न केवल देश को अनाज मुहैया कराता है बल्कि खिलाड़ियों को भी कराता है और आज हम सब इस लड़ाई में किसानों के साथ हैं। ये कानून किसानों के लिए बुरे हैं। मैं पिछले महीने COVID-19 का शिकार हुआ। मैं अभी ICU से बाहर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि समय पर रिकवर कर जाऊंगा और अवार्ड वापसी में खिलाड़ियों के साथ रहूंगा। अभी तक इस पहल में 30 खिलाड़ियों का साथ मिला है। प्रदर्शन कर रहे किसानों को न केवल भारत बल्कि विदेश से भी सपोर्ट मिल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा, कनाडा ने हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन किया है। हालांकि भारत ने इस बयान पर सख्त सा जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने जस्टिन ट्रूडो के बयान को गलत जानकारी पर आधारित और गैर जरूरी बताया। आपके लिए खबर लिखी हमारी साथी लालिमा ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।